नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ। मैं आज आपसे जो बात करूँगा वो बहुत दुखदेही बात है। आज हमारे देश में 31 जवान शहीद हो गए और 31 जवान शहीद होने के बाद भी हमारी जो मीडिया के कुछ लोग हैं जो देश को नहीं ऊपर समझते, वो अपने आकाओं को ज़्यादा ऊपर समझते हैं, जिनके लिए देश की कोई वैल्यू नहीं है, जो देश की सेना की कोई वैल्यू नहीं है, उनके सामने मतलब 31 जवान हमारे देश के शहीद हो गए और हम अब भी सवाल के कटघरे में फौज को खड़ा कर रहे हैं। हमारे देश की एक एंकर हैं श्वेता सिंह, जो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी एंकर समझी जाती हैं, उन्होंने हमारे देश की सेना को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि पेट्रोलिंग सेना करती है, देश के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, देश के रक्षा मंत्री नहीं करती। ये तो सबको मालूम है कि कौन क्या काम करता, मगर जिम्मेदारी तो हमारे सरकार की होती है ना। जो लोग जिनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी वही करेंगे भाई। आईएएस ऑफिसर है तो आईएएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेगा, एक पुलिस वाला है तो वो पुलिस वाले की नौकरी करेगा, मगर जिम्मेदारी तो सबकी लेनी पड़ती है, हमारे प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को या फौज के जो हमारे तीनों सेना अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि चलाते तो वही हैं देश को। अगर हम ये जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालेंगे कि ये सेना का वो है काम है, तो ये पत्रकारिता अच्छी पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए। और ऐसे ही एक हमारे और साथी पत्रकार, वो भी बहुत चीख चीख के और बहुत रौल मचा मचा के चैनल 18 पे बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बोलते हैं, डर लगता है कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं या किसी को उससे लड़ रहे हैं। मेरा मतलब अमीश देवगन जी से, जो चैनल न्यूज़ 18 पे न्यूज़ बोलते हैं, उन्होंने ख्वाजा अजमेर शरीफ, जो जिनकी पूरी दुनिया में एक ख्याति है, पूरी दुनिया उनके यहाँ आके सर झुकाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हों हर साल उनके यहाँ चादर भेजते हैं, हमारे जो अलग अलग रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये सब लोग पार्टियों के बड़े बड़े जो नेता हैं वो सब लोग जो हैं अपने अपने उनके यहाँ चादर भेजते हैं, मगर हमारे अनीश देवगन जी ने उन्हें लुटेरा बता दिया। ये हमारे यहाँ की मतलब हमारे पत्रकार लोग कर क्या रहे हैं, मतलब चाहते क्या हैं यार, रिपोर्ट सही करो ना। जो अगर हम पूरी बात सही नहीं बता सकते, एक प्लानिंग होती है कि इसके हम इतने ही बताएंगे तो उसके हिसाब से, मगर ये तो नहीं होना चाहिए कि हम किसी की इज्जत से खेलें, हम किसी को भी किसी की भी पद की गरिमा को हम खराब कर दें। भाई ख्वाजा अजमेर शरीफ वाले, ख्वाजा अजमेर शरीफ ये जो है, ख्वाजा जी का जो रुतबा है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा रुतबा है, उनको एक छोटे मतलब अमीश देवगन जी को इतने बड़े पत्रकार नहीं है कि उनको किसी के लिए भी कुछ भी कहने की वो है। अब माफ़ी मांग रहे हैं कि माफ़ी, तो इससे पहले आप सांप्रदायिकता फैला दो, लोगों के दिलों में जहर घोल दो, उसके बाद आप माफ़ी मांग लो, तो ये अच्छी बातें नहीं है। देखिए हमारे देश के ऊपर जो भी वक्त पड़ेगा उसमें हर नागरिक जिम्मेदार होगा, हर नागरिक की अपनी जिम्मेदारी होगी कि हम उसे किस तरीके से देश को अपने आगे बढ़ाएं। किसी के ऊपर कोई भी तंज करना या फौज के ऊपर कुछ भी करना, उनके जो मनोबल होता है उससे उनका मनोबल टूटता है। हम किसी भी देश, अपना मैं अपने देश के नागरिक होने के नाते मैं ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ का कोई भी एंकर, कोई भी आदमी हमारी फौज को गलत कह दे या हमारे फौजियों के साथ बदतमीजी करे या फौजियों की जिम्मेदारी वो ठहराएंगे एंकर होके। आप अपना काम तो ईमानदारी से कर लो, तभी तो आप दूसरों को दिखाओगे। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि देखिए देश में जो हालात चल रहे हैं उनको खराब ना किया जाए और उनके साथ हमें जो है कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और हमें जो भी करना चाहिए देश की एकता और अखंडता के लिए बेहतर काम करना चाहिए, हमें उससे खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। और हमारे जो सैनिक हैं वो एक एक सैनिक हमारा बहुत कीमती है, हमारा एक पुलिस वाला भी बहुत कीमती है, हमें उनका ख्याल रखना है। अगर हम उनके साथ खड़े होकर जंग लड़ाई नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ खड़े होकर सहानुभूति तो कर सकते हैं। तो मैं अपने तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो गलत चैनल हैं उनको ना देखें,
और जो गलत एंकरिंग कर रहे हैं उनकी जो गलत बात है उसे एक्सेप्ट ना करें, और देश का जो माहौल हमारा गंगा जमनी तहजीब है हमारी उसे कायम रखें, उसके ऊपर काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। हमें देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है, ना कि देश को तोड़ना है। दोस्तों मैंने ये आपको छोटी सी अपने जो मीडिया के वो लोग हैं उनके बारे में बताया। मैं आपको जैसे रोजाना कोरोना की एक रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो मैं आज वही थोड़ी सी आपको और रिपोर्ट देता हूँ। देखिए दिल्ली में कोरोना, दिल्ली में क्या पूरे देश में कोरोना जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसको हमें देखना है कि हम उससे किस तरीके से लड़ें, किस तरह से हम आप लोगों की जान बचाएं और किस तरह से हम इस पे काम करें। तो आज इसको केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार ने जो है इस पे एक्शन लिया, और उन्होंने बल्कि 2 दिन पहले से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है इस पे बहुत सीरियसली होकर अपना वो अपनी सारी प्रतिक्रिया अपने वो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्रालय की जो आज की आंकड़े आए हैं वहाँ में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,974 नए मामले आए हैं, 10,974 नए मामले आए हैं और 2,003 लोगों की मौतें हुई हैं। पूरे 24 घंटे में 2,000, पूरे देश में 2,003 आदमियों की मौतें हुई हैं, और भारत में कुल पॉजिटिव मामले जो हैं उनकी संख्या हो गई है 3,54,065। इसमें से 1,55,227 लोग पॉजिटिव हैं और 1,86,935 लोग ठीक हो चुके हैं। यानी ठीक होने का आंकड़ा हमारे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ यंग ज्यादा है, पूरे देश में जो है जवानों की तादाद ज्यादा है, फिर हमारे यहाँ की जो पाचन शक्ति है वो और देशों के मुकाबले में हमारे यहाँ के लोग ज्यादा स्वस्थ हैं। कोरोना से पश्चिम बंगाल में जो है कोरोना से मौतों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया, वहां पर भी जो है काफी तादाद में लोगों की जो है कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और मैं आपको दिल्ली का आंकड़ा बताता हूँ, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में जो है हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सत्येंद्र जैन जी के सेहत के लिए हम दुआ करते हैं कि सत्येंद्र जैन जी जल्दी स्वस्थ हों और फिर वो अपने काम पे आए। तमिलनाडु में जो है कोरोना के टोटल नए मामले जो हैं वो 2,147 नए मामले आए हैं, जिसमें और जो टोटल वहाँ तमिलनाडु में मामले हो गए हैं वो 50,000 के पार हो गए हैं। काफी गंभीर स्थिति हमारी तमिलनाडु में भी है। तो मैं आपको दिल्ली के बताता हूँ, दिल्ली के जो टोटल मामले हैं वो लगभग 35,000 करीब पहुंच चुका है अभी तक की, जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो अब तक 35,000 के पार पहुंच चुके होंगे। इसमें आज जो आए हैं नए मामले वो 1,877 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, और 65 मौतें हुई हैं। तो दिल्ली में मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है। हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो सब लोग इस पे आप खड़े हुए हैं, सब लोग इस पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। तो मैं उनको इस काम के लिए बधाई देता हूँ कि वो उनको देर से सही मगर काम पे तो आए, और जैसे दिल्ली के हालात बढ़ रहे हैं, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से दिल्ली में रूम हमें वेंटिलेटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें बेड की भी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। और हमारे होम मिनिस्टर जी ने जो टेस्टिंग के जो है उसको भी उन्होंने दिल्ली सरकार से कहा है कि इसकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो जाए और पता चल जाए कि कितने लोग इसमें पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने लोगों को हो चुका, कितने लोगों को और होना है, क्या सिचुएशन हमारे आगे अगले 20 एक दिन में या 10 दिन में होगी, हम उसको किस तरीके से निपटाएंगे या निपटेंगे उससे। तो उसके ऊपर पूरा ग्राफ लोग ये बना रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जैसे पहले कह चुके हैं कि हम दिल्ली के स्टेडियम, दिल्ली के बारात घर, सामुदायिक केंद्र, इनको हम जो हैं अस्पतालों में चेंज कर देंगे, कुछ जगहों पर ट्रेन के डिब्बों को हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, कुछ जगहों पर जो
अपने स्टेडियम, वैसे स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम जो है उनको बनाया जा रहा है। तो सरकार अपना काम कर रही है, मगर जैसे करना चाहिए ऐसे नहीं हो रहा है। मैं आपको, और इस पे जो कल हमारे दिल्ली में वो हुआ था, तो उसमें कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ लोगों के लिए डिमांड की थी कि वो कोरोना पॉजिटिव जिस घर में है उन्हें 10,000 रुपये दें, और जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनको राशन फ्री दिया जाए। तो देखिए उस पर क्या होता है, सब लोग जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, देश के अच्छाई के लिए सब लोग कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से अपने करीब में किसी को भूखा ना सोने दें, किसी को राशन की परेशानी ना होने दें, अपने पड़ोसी का अपने आप ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, ज़्यादा लोगों से ना मिलें, बिना वजह सड़कों पर ना निकलें, और घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो मैं आपको एक बार फिर अपने जो मीडिया मित्र हैं मैं उनसे बता दूं कि देश में माहौल अच्छा करना मीडिया का काम है, देश का माहौल खराब करना मीडिया का काम है। हमें हमेशा देश की एकता और अखंडता पे काम करना चाहिए, जो देश में पॉजिटिव सोच छोड़े हमें उस पे काम करना चाहिए, हमें देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भी तरीके से भड़काओ भाषण नहीं करवाना चाहिए। हमारे जो चैनलों पे जो एंकर लोग आते हैं उनके अलावा जो जिनसे वो डिबेट करते हैं वो लोग अच्छे आने चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को लाना चाहिए, सिर्फ अपने जो मतलब चैनल के पिट्ठू लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए चैनलों पर आके उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, जिससे देश का माहौल खराब होता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि गलत एंकरिंग ना हो, देश की एकता और अखंडता पे काम करो। हम लोग मीडिया बहुत एक चौथा स्तंभ होता है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से नहीं निभाएंगे तो देश में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, और अगर हम अच्छी तरीके से दिखाएंगे तो सब कुछ माहौल सही हो जाएगा। बहुत से एंकर ये कहने पर क्यों क्यों वो हो गया कि टीवी मत देखो, मतलब ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि जो जिससे जिसका रोजी रोटी एंकरिंग है वो ही कह रहा कि टीवी मत देखो। तो ये हमें देखना चाहिए कि क्यों हमारे देश की बदनामी हो रही है, हमें किस तरीके से देश को चलाना है, चलाने वाले लोग और होते हैं, हमें सिर्फ देश को सही बात बतानी हमारा काम है। अगर सरकार गलत काम कर रही है तो हमें वो भी बताना है, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमारा काम सिर्फ सच दिखाना होना चाहिए, अगर हम गलत होंगे तो एक दिन हमारी भी बेइज्जती होगी और देश हमसे नाराज हो जाएगा। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, और आपको से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपको कुछ और अच्छी बातें बता सकें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, सलाम।